प्रोफेशनल आदमी था और यही हमको व्हाट्सएप भी किया है। शकल देखे वही तो पतला था, बाइक लिए हुए KTM। ये है एक्शन कैमरा हमारा, इस तरह से फ्रॉड हो रहा है आजकल। देखो यहाँ पे जो है ये जो देखो टेपिंग भी जो है इस पे किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और देखो इसके अंदर जो है मेरे को क्या मिला है, इसके अंदर जो है मेरे को ये ग्लव्स मिला है, ये ग्लव्स मिला है। मैं देखते ही नहीं यार, मेरा बोला तो मेरा पैर के नीचे से ना जमीन खिसक गया यार। 17,000 काफी ज्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। इसको मैं क्या करूं, इसको मैं अभी फेंकने वाला ही हूं, ठीक है। रुक जाओ यार थोड़ा सा, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कल आपके साथ भी होगा, ठीक है। और परसों आप परसों किसी और के साथ होगा, आपको समझना पड़ेगा भाई। ये दुश्मनी यूट्यूबर ये सारी चीजें करने की बात नहीं, और जो बड़े यूट्यूबर देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंसर्न को आगे उठाएं। सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियोस को पूरा देखें। आज आपके इस भाई को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आपकी। एक फैमिली मेरे घर पे और दूसरी फैमिली आप लोग हो मेरे। चाहे छोटा भाई समझ के हेल्प करो, बड़े भाई समझ के हेल्प करो, जैसे करना है करो, लेकिन मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है वो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, परसों किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर जो मेरे हेटर्स भी हैं या फिर जो भी लवर्स भी हैं, जो मुझे पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं, लेकिन इस चीजों में प्लीज मेरी हेल्प करो, आप प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं आपको सारा इंसिडेंट बताने वाला हूँ, कैसे मेरे को 17,000 रुपए का चूना लगा अमेजोन की तरफ से। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि जहां पे मैंने पैकेज को रिसीव करवाया था वो एक पटना का सबसे बड़ा जिम था, और वहीं पे डिलीवरी बॉय ने वो पैकेट दिया था, कैसे दिया था, किस तरह से दिया था, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियोस में कवर करने वाला हूं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके इस भाई को आज आपकी जरूरत है। यार मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना ही कभी किसी के साथ बुरा किया, लेकिन हमेशा मेरे साथ ही ऐसा ही होता है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, बाकी और चीजों के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है अमेजोन ने मेरे साथ ऐसा किया है जो कि मैं कभी भी एक्सपेक्टेबल नहीं है। जो कि आप ये देख सकते हो ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स में मेरे को 17,000 की जगह ना 200 रुपए का सामान मिला। कैसे सारा चीज मिला वो सारी चीज मैं बता देता हूं, ठीक है। आप सबसे पहले आप साइड वाले स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने 17 फरवरी को एक DJI Osmo एक्शन कैमरा मंगाया था। आप सब लोगों को मैंने बताया था कि मैं एक ब्लॉग का चैनल पे बहुत सारे ब्लॉग डालने वाला हूं, मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग देखेंगे भी होंगे उस वीडियोस को, ठीक है। तो मैंने 17 तारीख को मंगाया था, और इसका मैंने एक वीडियोस भी डाला था कि ये जो कैमरा है मेरे को 16,999 में पड़ा, जबकि इसका एक्चुअल प्राइस अभी भी बहुत सारे साइट पे जो है 21,000-22,000 दिख रहा था। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या ये ऑफर आया था, 16,999 रुपए में ये कैमरा मेरे को पड़ा, और मैंने तुरंत ऑनलाइन उसको बुक कर लिया, तुरंत जो है ऑनलाइन उसको बुक कर लिया। अब जो है बुक करने के बाद भी मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट था, तो मैंने अमेजोन के कस्टमर केयर में कॉल किया, उनसे पूछा कि ये जो कैमरा है 22,000 का है, तुरंत फिर 22,000 हो गया था, 16,000 दो कुछ मिनट के लिए हुआ था और तुरंत उसके बाद 22,000 हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या इस कैमरे में कोई फॉल्ट है या फिर ये दूसरा प्रोडक्ट तो नहीं, तो अमेजोन वाले एश्योर किए कि नहीं, यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही दिया गया है और वो ऑफर में दिया गया, ठीक है। तो 17 तारीख को मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अब 17 तारीख के बाद हमारा जो ऑर्डर डिलीवर होना था वो था 24 तारीख को। यहाँ पे आप देख सकते हो कहां कहां से जो है ऑर्डर जो है गुजरा है। 23 तारीख को पटना फैकल्टी में पहुंच गया था और 24 तारीख को डिलीवर होना था। तो मैं जहां पे जिम जाता हूं मैंने वहीं का एड्रेस मेंशन करके रखा था, जहां पे मैं गोल्ड जिम जाता हूं ना वहीं पे मैंने एड्रेस मेंशन करके रखा था, क्योंकि मैं ज्यादातर करीब 2 बजे तक वहीं पे रहता हूं, ठीक है। लेकिन उस दिन मेरा क्या हुआ कि मैं 9 बजे गया जिम करने, ठीक है, और 9 बजे जाने के बाद मैं 12-1 बजे तक ना घर वापस आ गया। उसके बाद वहां पे करीब 2:52 में मेरे को डिलीवरी बॉय का कॉल आया, ठीक है। सीसीटीवी फुटेज भी मैं ऐड करने वाला हूं इसके बाद, ठीक है, देख लेना। उन्होंने वो जिम के पास पहुंचा जो मेरा शिपिंग एड्रेस था, वहां पे वो पहुंचा और वहां पे वो प्रोडक्ट जाके दे दिया, वहां पे जिम पे जो रिसेप्शन पे जो बैठते हैं रिसेप्शनिस्ट बैठते हैं उनको दे दिया। वो भाई ने क्या किया कि वो प्रोडक्ट उठाया और आराम से उसको ड्रॉअर में रख दिया। अब मैं नेक्स्ट डे मैं जैसे ही जिम गया, ठीक है, अगले दिन यानी कि 25 फरवरी को मैं जिम गया, ठीक है। अब 25 फरवरी को जिम जाने के बाद मैंने वो बॉक्स मांगा, ठीक है, बॉक्स मांगा तो मेरे को देख के कुछ हल्का लगा, ठीक है। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैं वहां पे नहीं था और मैंने पैकेज रिसीव करवा लिया, ये मेरी गलती मान लो, फॉल्ट मान लो, या फिर जो होनी होता है ना वो मान लो। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही पैकेज उनसे लिया तो मेरे को हल्का लगा, तो वहीं पे मैं बोला कि भाई ये कैमरा धरो जो वहां पे जिम में थे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये
भी सोचोगे ना कि भाई ये तो तूने अपने घर पे लाके अनबॉक्सिंग किया, तो भाई घर पे अगर मान लो किसी को चोरी करना होगा ना तो वो कर लेगा, लेकिन वहां पे पटना का सबसे बड़ा जिम है, प्रोफेशनल जिम है, वहां पे सबके सामने मैंने, आई थिंक 3-4 लोग थे उनके सामने मैंने अनबॉक्सिंग किया, बगल में सीसीटीवी कैमरा भी लगा था, सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा था। तो मैंने उस बॉक्स को खोला, आप जैसे मैं साइड में आप देख सकते हो ये जो वीडियोस है ये मैंने कल भी डाला था, ये इस तरह से मैंने बॉक्स को खोला और बॉक्स देखो कुछ इस तरह का था। देख लो यहाँ पे सिर्फ जो है अमेजोन का कुछ नहीं है, यहाँ तक एक बिल भी नहीं है, सिर्फ ये शिपिंग वाला है और इस तरह का पैकेट में आया था। मैं बोला तो भाई अगर मैं वहां पे रहता ना भाई तो मैं कसम से बता रहा हूं मैं ये पैकेज रिसीव ही नहीं करता, लेकिन खैर बहुत कहो बुरी किस्मत मान लो जो मान लो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये तरह का पैकेट था और देखो ये किस तरह से चिपकाया हुआ है, ये जो पैकेट अगर निकालना भी चाहोगे ना तो नहीं निकलेगा, ये देखो इस तरह से इसमें जो है, देखो यहाँ पे जो है ये जो देखो टेपिंग भी जो है इस पे किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। और देखो इसके अंदर जो है मेरे को क्या मिला है, इसके अंदर जो है मेरे को ये ग्लव्स मिला है, ये ग्लव्स मिला है। मैं देखते ही नहीं यार, मेरा बोला तो मेरा पैर के नीचे से ना जमीन खिसक गया यार, 17,000 काफी ज्यादा अमाउंट होता है। जो बंदा डिलीवर किया है यहाँ पे इधर भी सीसीटीवी पीछे दिखा दीजिए, सीसीटीवी कैमरा भी है यहाँ पे, सारा चीज पता चलेगा कौन क्या किया है। ये देख सकते हो ये है दो ग्लव्स हमें देते हैं, तो देखा मैंने वीडियोस भी वहां, तो वहां पे सबके सामने मैंने अनबॉक्सिंग किया, फिर वहां पे जैसे ही ग्लव्स निकला इस तरह का जो ग्लव्स था ये वाला, तो वहां पे मैंने मेरे दो भैया थे वहां पे जो कि काफी अच्छे पोस्ट पे, एक IRS ऑफिसर है और एक LLB किए हुए हैं चाणक्य कॉलेज से और भी लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो दोनों ने मेरे को बोला कि सबसे पहले आप अमेजोन के सेंट्रल पे जो है ना, सेंट्रल ऑनलाइन जो है एक्सेलेशन जो है वहां पे डायरेक्ट तुरंत कंप्लेन करो, ठीक है, और तुरंत कंप्लेन करने के बाद तुरंत रिटर्न का मारो। तो देख लो आप साइड में मैंने रिटर्न का भी मारा और रिटर्न अप्रूव भी हो गया, ठीक है, रिटर्न अप्रूव भी हो गया। उसके बाद वो मैंने वहां पे डायरेक्ट कॉल किया अमेजोन पे, ठीक है, अमेजोन पे कॉल करने के बाद उनको मैंने सारी चीजें बताई कि ऐसा ऐसा चीज है, जो बंदा मेरे पास आया था डिलीवर करने उसका भी मेरे पास डिलीवरी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरेज का है। तो उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा, उन्होंने बोला कि आपको जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ है उसका फोटो भेजो, तो मैंने उसका फोटो जो है उनको भेज दिया। उसके बाद थोड़ा देर बाद फिर से मेल आया कि आप अपना कोई आईडी प्रूफ या फिर पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी आईडी प्रूफ है उसका फोटो भेजो, मैंने वो भी कर दिया। उसके बाद उनका रिप्लाई आता है, उन्होंने फिर से मैंने कॉल किया, वो सारा चीज डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद मैंने उनको कॉल किया, उनको कॉल करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो है आपका जो मैटर है, जो कंसर्न है, वो इन्वेस्टिगेट के लिए गया है, ठीक है, फॉरवर्ड कर दिया गया इन्वेस्टिगेशन टीम को, ठीक है, थोड़ा सा यार जवान भी लड़का है, टेंशन में बहुत ज्यादा हूं, ठीक है, तो वहां पे गया, ठीक है, वहां पे गया इन्वेस्टिगेशन टीम के पास, तो आपको 3 मार्च तक जो है वो रिजल्ट मिलेगा, 3 मार्च तक रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि 3 मार्च को जो है आप मेरे को कॉल करिएगा। अब उसके अलावा मैं बोल रहा था उनको कि आप मेरे को इन्वेस्टिगेशन टीम से बात कराओ, तो नहीं सर, आपको 3 मार्च तक जो है आपको वेट करना होगा, 5 दिन का हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, तो वो नहीं बता पाए, बोले कि वो हमारा इन्वेस्टिगेशन टीम पे सारा चीज डिपेंड करता है कि वो कैसे करते हैं, सेलर के थ्रू या फिर ट्रांजिस्ट के थ्रू कैसे क्या हुआ वो सारा मैटर। तो मैंने उनको ये भी बोला कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, सबसे पहली चीज कि अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर होता है, मैं प्राइम मेंबर हूं, अब जैसा कि देख सकते हो अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर होता है ना, तो वो यहां पे जो है अमेजोन का टेप रहता है, चारों तरफ टेप रहता है, अगर प्राइम हो तो प्राइम भी लिखा रहता है, अगर मान लो प्राइम मेंबर नहीं भी हो तो आपको अमेजोन का पॉकेट में भी मिलता है। इस तरह के टेपिंग में वो कभी भी DJI Osmo एक्शन कैमरा नहीं भेज सकते। और दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज थी कि इतना छोटा बॉक्स में एक्शन कैमरा नहीं आ सकता है, ये जो इतना छोटा जो बॉक्स है इसमें एक्शन कैमरा नहीं आ सकता है, दूसरी सबसे बड़ी चीज। तो ये भी मैंने उनको बोला, तो वो बोले कि ठीक है, आपकी सारी बातें मेरे को समझ में आ रही है, सॉरी, उन्होंने बोला कि आपको जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं खेद चाहता हूं, लेकिन उसके बाद बोला कि आपको 5 दिन तक वेट करना होगा, ठीक है, आपको 5 दिन तक जो है वो वेट करना होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत सारा YouTube पे सर्च किया, तो मैं जब देख रहा था बहुत सारा वीडियोस कि 5 दिन के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बाद उनको बोल दिया जाता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर हो गया है, वो हम नहीं दे सकते हैं, आपको सही प्रोडक्ट डिलीवर होता है, मेरा और दिमाग जो है वो खराब होने लगा। उसके बाद मैं क्या किया, सबसे बड़ी चीज, आपकी मेरे को हेल्प चाहिए मेरे भाई, आपकी मेरे को हेल्प चाहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपको हेल्प करना होगा मेरे दोस्त, करना होगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं ट्विटर पे गया, ट्विटर पे @amazon.in को टैग करके सारा जो इंसिडेंट था वो सारा लिखा, वीडियो फुटेज भी ऐड किया वहां पे, उसके बाद HMO को भी, होम मिनिस्ट्री को भी ऐड किया, जागो को भी ऐड किया, ये सारी चीजों को ऐड करके मैंने ट्वीट किया, और ट्वीट किया तो उधर से रिप्लाई आया। उसके बाद उन्होंने लिंक भेजा कि ये चीजें आप फॉर्म भर दो, उसके बाद आपको जो है मेल के थ्रू जो है वो आपको
रिप्लाई आएगा। तो ये आप देख सकते हो साइड में उनकी तरफ से कोई एक कश्यप थे, उन्होंने भी मेरे को मेल किया कि आपका जो कंसर्न है वो अब फॉरवर्ड किया गया। और देख सकते हो मैंने कितने सारे ट्वीट किए हैं, पूरा फोटोज ए टू जेड प्रूफ के साथ, सीसीटीवी फुटेज, जो डिलीवरी बॉय आया था उसका फुटेज। और सबसे मजेदार चीज, मैं एक चीज आपको बताता हूं, कल मेरे को एक बंदे का कॉल आया, ठीक है, वो मेरे को बोला कि मैं अमेजोन लोकल सपोर्ट टीम से बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को वो वीडियो भेजिए। तो मैं उसका व्हाट्सअप नंबर लिया, पर्सनल नंबर से उसने मेरे को कॉल किया था, व्हाट्सअप नंबर लिया। और व्हाट्सअप नंबर लेने के बाद मैंने क्या किया कि उसका जब मैं डीपी देखा ना मेरे भाई, तो सेम टू सेम मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था ना कि जो बंदा डिलीवर करने आया, जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देखोगे, जो बंदा डिलीवर करने आया है वही बंदा मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि आप मेरे को वीडियो भेजो। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये डिलीवरी बॉय पे मेरे को शक हो रहा है। लेकिन अभी मैं कोई भी इंसिडेंट पे, कोई भी मतलब कि एक होता है ना रिजल्ट पे, मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब मैं बात करता हूं, अब जैसा कि अब मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा हूं सबसे पहले कि कैसे वो डिलीवरी बॉय जो है वो मेरे को डिलीवर किया है। तो ये आप देख सकते हो सीसीटीवी फुटेज, तो आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह के पैकेट में दिया था। कोई भी वहां पे अमेजोन का कवर वाला पैकेट नहीं था, कोई भी अमेजोन का टिप नहीं था, नॉर्मल जो मैंने आपको ये दिखाया था वही पैकेट में वो प्रोडक्ट मेरे को डिलीवर हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ठीक है, वहां पे भी मैंने ऑनलाइन कंप्लेन किया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लेन नंबर भी है। वहां पे भी मैंने सारा इंसिडेंट जो है पूरी तरीके से बता दी, कॉल पे भी करके मैंने वहां पे कंप्लेन दर्ज करवाया, और ऑनलाइन जो है फॉर्म जो फिलअप करके जो होता है कंप्लेन जो है वो मैंने दर्ज करवाया। उसके बाद मैंने लोकल जो पीएस है, मतलब कि ऑनलाइन पीएस पे भी जो एफआईआर दर्ज होता है वो भी मैंने करवाया, ठीक है, वो भी सारा चीज मैं करवा दिया हूं। अब मेरे को आपकी क्या सपोर्ट की जरूरत है वो मैं बताना चाहता हूं। देखो ये अमेजोन है, यहां पे मैं सेलर को भी गलत नहीं ठहरा सकता हूं या फिर अमेजोन वाले को भी गलत नहीं ठहरा सकता हूं, लेकिन डिलीवरी बॉय को भी मैं गलत नहीं ठहरा सकता हूं। यहां पे देखो गलती मेरी सबसे बड़ी हुई कि मेरे को वहां पे रह के पैकेज रिसीव करना चाहिए था कि कैसा पैकेज दे रहा है, वो भी प्रीपेड ऑर्डर था, मैंने पहले ही ऑनलाइन पे कर दिया था, ठीक है, सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हुई है। अब दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट था कि उन्होंने साफ मेरे को 5 दिन का टाइम दिया, 5 दिन के अंदर में वो क्या डिसीजन देंगे मेरे को नहीं पता, मैं उसके बारे में वीडियोस बनाऊंगा और उसके आगे मैं क्या एक्शन लूंगा वो भी मैं बताऊंगा। अब आप लोग से यार बहुत पता है, जब मैं ये कैमरा मंगाया था ना तो बहुत अंदर से ना खुशी हो रही थी कि मैं यार मोटो ब्लॉगिंग करूंगा, क्या बताऊं, मोटो ब्लॉगिंग करूंगा, बहुत सारी मतलब यहां जाऊंगा, बहुत सारा घूमने का प्लान भी था मेरा सिल्लीगुड़ी जाने का। एक दो मेरे सब्सक्राइबर उनसे भी मैंने बोला था कि भाई सिल्लीगुड़ी चलोगे तो बताना, बहुत कुछ हो जाता यार वो कैमरा से, ठीक है, वाइड एंगल सारा चीज से शूट होता है, एक सपना था। और आई थिंक मैं देखो बात पैसे की नहीं है, पैसे की बात नहीं है मेरे भाई, बात है कि ये फ्रॉड अमेजोन की तरफ से हो रहा है। और मैं पहले बहुत सारे वीडियोस देखता था, बहुत सारे वीडियोस देखने पे उनको लगता था कि सब लोग गलत वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन आज जब मेरे साथ हुआ ना तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि हाँ ये चीजें सही थी, लोग सही वीडियोस बना रहे थे। लेकिन मैं आप लोग का बस यही सपोर्ट चाहता हूं कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, आपको ट्विटर का लिंक मिलेगा, वो ट्वीट का जो मैंने ट्वीट किया, ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि उस ट्वीट पे जाएं और अपना रिट्वीट करें कि प्लीज ऐसा स्कैम बंद करें और मेरा जो प्रोडक्ट है या तो मेरे प्रोडक्ट को मेरे को दें या फिर मेरा रिप्लेसमेंट मेरे को दें या फिर मेरा रिफंड मेरे को दें। आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि भाई आज आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कल आपके साथ भी होगा, ठीक है, और परसों किसी और के साथ होगा। आपको समझना पड़ेगा भाई, ये दुश्मनी यूट्यूबर ये सारी चीजें करने की बात नहीं, और जो बड़े यूट्यूबर देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कंसर्न को आगे उठाएं और प्लीज मेरी हेल्प करें। मैंने एक बड़े यूट्यूबर से भी मैंने मैसेज किया, लेकिन बोला जाता है ना कि अब दोस्त बड़ा हो जाता है तो छोटे दोस्त को भूल जाता है, तो उसने रिप्लाई भी मेरे को नहीं दिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट बुरा लगा कहीं ना कहीं कि आज मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, बट वो बंदा जो है मेरे को एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रहा। तो भाई प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प मी, और जितना हो सके इस वीडियोस को शेयर करें ताकि जितने भी लोग हैं ट्विटर पे जाएं यार और मेरे ट्वीट को रिट्वीट करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाई, बस आप लोग के सपोर्ट से अगर मेरे पैसे वापस आ गए भाई मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि यार जो चीज के लिए मैंने मंगाया है ना वो चीज मेरा करने का ना बहुत, कि मैं होम ब्लॉग बनाऊंगा, घूमने का ब्लॉग बनाऊंगा, सारी चीजें यार। और जब मैं जितनी बार मैं इसको देख रहा हूं ना यार बहुत ज्यादा टेंशन में। प्लीज सपोर्ट मी।
थैंक यू। वायरल कर देंगे तुमको, वायरल आपको हम वायरल कर देंगे, देखिए वो है तो आप उसका क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? हम स्मार्ट लग रहे हैं इसीलिए। तो सामने इधर घूम के कर लो। नहीं नहीं, कौन कौन कांड करता है वही देख रहे हैं। तो कांड करता है, मेरा परफॉर्मेंस चेक किया जा रहा है कि हम यहाँ सही से काम कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आगे फिर हेड ऑफिस में भेजना है, फिर मेरा प्रमोशन होगा या डिमोशन होगा इसके। इधर कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? फोन तो हम हमको सर और बोलते हैं फोन ले लिए रहो, हमेशा कॉल करते रहो, हमको फोन रखने से मतलब नहीं है, मेरा काम ही है फोन पे बात करना। ये बोल रहे हैं बेचारा फोन रख दिया। अब आए सब क्लोज करिए, क्लोज करिए इस फेस को, क्या आगे दे जाए। देखिए सीधा लिए हम टॉवेल वाला में डाल दिया और उसके बाद आप आए तभी।